नमस्कार, मैं हूं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश विदेश के पर्यटक भी देख सकेंगे छठ। पर्यटन विभाग ने विशेष टूर पैकेज किए तैयार। बुकिंग के लिए बताए गए वेबसाइट और नंबर पर करें संपर्क। स्मार्ट मीटर के लिए शुरू होगा जागरूकता अभियान। इससे जुड़ी भ्रांतियां की जाएंगी दूर। बताए जाएंगे स्मार्ट मीटर से जुड़े कई लाभ। 4 सीटों पर उपचुनाव में 38 उम्मीदवार मैदान में। 50 उम्मीदवारों ने किया था नामांकन। 6 का नामांकन खारिज और 6 ने नाम लिए वापस। बिहार में पुरुषों की तुलना में महिला वोटरों की संख्या कम। बावजूद पुरुष से बिहार की महिलाएं वोटिंग में है सबसे आगे। लोकसभा चुनाव में 59.45% महिलाओं ने की थी वोटिंग। 1 नवंबर से होंगे कई बदलाव। ये बदलाव आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। ट्राई के आज से नए नियम होंगे लागू। 3 लाख किसान पीएम सम्मान निधि का नहीं ले पा रहे लाभ। केवाईसी अपडेट नहीं करने की वजह से लाभ से रह गए हैं वंचित। कृषि विभाग ने बैंक खातों के केवाईसी करने की कही बात। आखिरी टेस्ट जीतने की कोशिश में रहेगी भारतीय टीम। वानखेड़े स्टेडियम में 1 नवंबर से होगा मैच। जानिए प्लेइंग 11 में संभावित खिलाड़ी। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भर्ती निकाली है। ट्रेनी इंजीनियर के लिए ये भर्ती 47 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। हर नया महीना कई वित्तीय बदलाव लेकर आता है और नवंबर की शुरुआत भी कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ हुई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हर महीने परिवर्तन होने की संभावना होती है और इस बार भी कॉमर्शियल घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा ट्राई के नए नियम के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम नंबर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को ठगी से बचाने में मदद मिलेगी। SBI क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए अनसिक्योर्ड कार्ड पर 3.75% का फाइनेंस चार्ज लगेगा। म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। इस महीने कई त्योहारों के चलते बैंकों में छुट्टियां भी रहेंगी, इसलिए जरूरी बैंकिंग काम जल्दी निपटा लें। लोक आस्था के महापर्व छठ को अब देश विदेश के पर्यटक करीब से देख सकेंगे। बिहार के पर्यटन विभाग ने छठ पर्व को पर्यटन उत्सव का रूप देने के लिए विशेष टूर पैकेज तैयार किया है। पर्यटन मंत्री नितीश मिश्रा ने बताया कि इन पैकेजों में पटना में भव्य स्वागत, वातानुकूलित वाहन से यात्रा, लग्जरी होटल में ठहराव, भोजन, टूर गाइड सेवा और छठ पूजा के दौरान स्थानीय परिवारों से मिलना जैसे सुविधाएं शामिल हैं। पहले दिन नहाए खाए की परंपरा का अनुभव करवाया जाएगा, जबकि दूसरे दिन खरना पूजा के साथ गंगा स्नान और पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण होगा। अंत में पर्यटकों को पारण के दिन गंगा घाट पर सूर्य देव की पूजा देखने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आप www.bstdc.bihar.gov.in पर जा सकते हैं या मोबाइल नंबर 8544418408 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में कुल वोटरों की संख्या में महिलाएं पुरुषों से कम है, लेकिन उनका वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। प्रति 1000 पुरुष वोटरों पर महिला वोटरों का औसत 907 है, जबकि वोट डालने में ये अनुपात 1017 तक बढ़ जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 112% ज़्यादा सक्रिय हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में मतदान का कुल प्रतिशत 56.28 था, जिसमें 59.45% महिलाएँ थीं और 53% पुरुषों ने वोट डाले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में 7.12 करोड़ मतदाता थे, जिनमें महिला वोटरों का प्रतिशत 59.58 था। हालांकि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में जैसे पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम वोटिंग की।
बिहार में स्मार्ट मीटर की बढ़ती संख्या के साथ उपभोक्ताओं में इसके संबंध में भ्रांतियां और शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए तय किया गया है कि मीटर के अधिष्ठापन से पहले उपभोक्ताओं को उसकी कार्यप्रणाली और लाभों के विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को सरकारी और निजी परिसरों में स्थापित स्मार्ट और पारंपरिक मीटरों का तुलनात्मक अध्ययन कराने की योजना है। जागरूकता अभियान के अंतर्गत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभ जैसे बिजली प्रबंधन, पारदर्शी बिलिंग और रियल टाइम उपयोग की जानकारी के बारे में बताया जाएगा। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि ये प्रयास उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक का लाभ देने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए है। बिहार में होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कुल 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले 50 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 6 को नामांकन जांच में खारिज किया गया और 6 ने नाम वापस ले लिए। ये उपचुनाव चारों विधानसभा सीटों पर तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ पर हो रहे हैं। बेलागंज में सबसे अधिक 14 उम्मीदवार हैं, जिससे राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह और जदयू की मनोरमा देवी प्रमुख हैं। रामगढ़ में केवल 5 उम्मीदवार हैं, जबकि इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पत्नी दीपा कुमारी और राजद के रोशन मांझी मुख्य मुकाबले में हैं। ये उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पीएम सम्मान निधि का लाभ राज्य के 3,08,017 किसानों को केवाईसी की वजह से नहीं मिल रहा है। इससे इन किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए नहीं जा पा रहे हैं। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पटना, सिवान और अररिया जैसे जिलों में केवाईसी लंबित है। कृषि विभाग ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए किसानों को अपने खातों का केवाईसी कराने की बात कही है। गया में 13,027, कटिहार में 13,138 और पूर्वी चंपारण में 25,476 केवाईसी लंबित हैं। केवाईसी में फर्जी लाभुकों की पहचान भी होगी। कई वास्तविक लाभुक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इनमें 16 नई स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं, जो बेंगलोर से बरौनी, सियालदह से दरभंगा और अन्य शहरों के लिए चलेंगी। जैसे कि गाड़ी संख्या 03123 कोलकाता पटना स्पेशल, जो 3 और 10 नवंबर की रात 11:50 पर कोलकाता से चलेगी। वहीं 08520 विशाखापट्टनम दानापुर स्पेशल 4 नवंबर को सुबह 9:10 पर विशाखापट्टनम से रवाना होगी। इसके अलावा सहरसा नई दिल्ली और पटना नई दिल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सभी ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित समय पर चलेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 की योजनाओं में उपलब्धियों के आधार पर सितंबर 2024 के लिए जारी रैंकिंग में बक्सर जिला ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि जल जीवन हरियाली, आरटीपीएस और अन्य योजनाओं में बक्सर लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। बिहार विकास मिशन द्वारा की गई समीक्षा में इन योजनाओं की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण किया जाता है। डीएम ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को 100% उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। बक्सर में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है, जैसे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और हर घर नल योजना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका सपना आईपीएस बनने का होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक आईपीएस के हिस्से कौन से विभाग होते हैं या क्या पदभार होता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि एक आईपीएस अधिकारी अपने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देश के अलग अलग जिलों में उसकी पोस्टिंग होती है। अनुभव प्राप्त करने के बाद वो किसी भी प्रदेश में डीजीपी बनाए जा सकते हैं, जो प्रदेश के पुलिस बल के मुखिया के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा एक आईपीएस प्रदेश के साथ साथ केंद्र के पुलिस बल और सैनिक बल का भी नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ व एसएसबी, इन सब का नेतृत्व भी एक आईपीएस ऑफिसर ही करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 में संजय मिश्रा विजय राज की भूमिका निभाएंगे। हाल ही में उन्होंने 90 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन के साथ एक विज्ञापन की शूटिंग का अनुभव साझा किया है। संजय ने कहा कि उस समय उन्हें ज्यादा पहचान नहीं थी और उन्होंने असल स्टूडियो में काम करते हुए सुना कि अमिताभ बच्चन के घर से कॉल आई है। शुरुआत में उन्होंने इसे किसी दोस्त की शरारत समझा। जब वे अमिताभ से मिले तो संजय मिश्रा ने उनके पैर छूकर कहा कि मरने से पहले आपके साथ काम करने का मेरा सपना है।
अमिताभ का जवाब सुनकर वो चकित रह गए। संजय ने बताया कि अमिताभ ने उन्हें सहज महसूस करवाया और उनके साथ रहने पर उन्हें गर्व महसूस हुआ। सरकारी योजनाओं में एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कई लोग लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, तो आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप पीएम किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहाँ नो योर स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भरें। फिर स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को भरें और गेट डिटेल पर क्लिक करें। यदि सूची में आपका नाम है तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आप आने वाली किस्त से वंचित रह सकते हैं। बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर इस दिवाली पर्यटकों के लिए बंद थी। प्रशासन ने नेचर सफारी और जू सफारी को एक दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया था। नालंदा के DFO राजकुमार और जू सफारी के निदेशक रामचंद्र एम के मुताबिक प्रदेश के इन प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्रशासनिक कारणों से बंद किया गया था। हालांकि आज से इसकी सभी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। राजगीर की जू सफारी पर्यटकों के लिए वन्य जीवों का दीदार करने का एक अनूठा अनुभव देता है, जहां वे पर्यावरण अनुकूल वाहनों में बैठकर भालू, बाघ और शेर जैसे जीवों को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में बिहार के दरभंगा में संभावित दौरे पर आ सकते हैं। उनके दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मध्य नवंबर के बाद उनकी यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे दरभंगा में प्रस्तावित एम्स अस्पताल का शिलान्यास कर सकते हैं, साथ ही कुछ नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर सकते हैं। बिहार सरकार ने इस दौरे के लिए तैयारी शुरू कर दी है और केंद्र सरकार की परियोजनाओं की सूची तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री 4 नवंबर को कुछ समय के लिए गया आएंगे, जहां से वे झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। इस दौरान बिहार भाजपा के नेता उनका स्वागत करेंगे और उनसे चर्चा कर सकते हैं। मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में श्रद्धालु अब ऑनलाइन हाजिरी लगा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। जानकी जन्मभूमि मंदिर न्यास समिति ने वामा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पूजन और दर्शन की सुविधा शुरू की है। इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर को सुंदरकांड पाठ के जरिए हुई है, जिसका उद्घाटन मंदिर के महंत कौशल किशोर दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी और वामा ऐप के संस्थापक आचार्य देव ने किया है। इस ऐप के जरिए भक्त 11 प्रकार के पूजन कर सकते हैं और 9 प्रकार के प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। अब तक 421 लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है, जबकि 300 से अधिक लोग दीप जलाने के लिए बुकिंग कर चुके हैं। ये सुविधा विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगी। आज प्रदेश में लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि आज से सर्दी बढ़ने की उम्मीद है। पछुआ हवा के कारण रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। आज प्रदेश में सभी जगहों का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की उम्मीद है, वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की बात कही गई है। कुछ जगहों पर 22 से 24 डिग्री भी जा सकती है। पूर्णिया के DM कुंदन कुमार ने म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज मामलों में लापरवाही के लिए 3 अंचलाधिकारियों को सो कॉज नोटिस जारी किया है। जिले में 20,254 नामांतरण आवेदन लंबित हैं, जिसमें पूर्णिया पूर्व, के नगर और अमौर अंचल शामिल है। DM ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लगातार अंचल कार्यालयों और हलका कार्यालयों का निरीक्षण करें और बिचौलिया संस्कृति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीक्षा में पाया गया कि कई राजस्व कर्मचारियों के पास अनावश्यक रूप से लंबित आवेदन है। DM ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले 1 सप्ताह में अपने प्रदर्शन में सुधार लाएं। सभी स्तर पर म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में विलंब और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने अपनी नई पार्टी आप सबकी आवाज यानी ASA की घोषणा की है। RCP सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के झंडे में हरा, पीला और नीला रंग होगा। उनके अनुसार पार्टी जलवायु परिवर्तन और खनिज संपदा पर भी ध्यान देगी। RCP सिंह ने कहा है कि बिहार में एक नहीं बल्कि दो जगह सोने का भंडार है, इस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री रह गया होता तो सोना निकालने का काम शुरू हो चुका होता। RCP सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 में से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने सदस्यता अभियान के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी बात कही है। इसके अलावा शराबबंदी के मुद्दे पर भी उन्होंने एक नई समिति बनाने की आवश्यकता जताई है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में आगामी युवा उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे, जिससे क्षेत्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। इस कॉरिडोर में गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, लखीसराय, नवादा, मुंगेर और भागलपुर शामिल होगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ये उत्सव युवाओं को अपनी कला और संस्कृति दिखाने का अवसर होगा। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखने और स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही है, जिससे ये आयोजन सफल हो सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 1 नवंबर से होने वाले आखिरी टेस्ट में अपनी लाज बचाने उतरेगी। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर फैंस को दिवाली का तोहफा देना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक 64 टेस्ट मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने 22 और न्यूजीलैंड ने 15 मैच जीते हैं। मुंबई में दोनों के बीच 3 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 2 जीते हैं। संभावित प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और ऋषभ पंत शामिल हैं। न्यूजीलैंड की टीम का नेतृत्व टॉम लैथम करेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया था और गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति होने लगी थी। आज के दिन वर्ष 1881 में कलकत्ता में ट्राम सेवा सियालदह से आर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई थी। आज के दिन वर्ष 1913 में स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन की शुरुआत की थी। आज के दिन वर्ष 1950 में भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया था। आज के दिन वर्ष 1956 में कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसी समय हैदराबाद राज्य प्रशासनिक रूप से समाप्त हो गया था। YouTube Music ने अपने यूजर्स के लिए नया स्पीड डायल फीचर लॉन्च किया है, जो फेवरेट गानों को ढूंढने में मदद करेगा। ये फीचर ऐप के होम सेक्शन में मौजूद होगा और उपयोगकर्ताओं के द्वारा अक्सर सुने जाने वाले 9 गानों का एक जगह दिखाया जाएगा। उपयोगकर्ता आसानी से स्वाइप करके और गाने देख सकेंगे, जिससे नेविगेशन आसान होगा। पहले के लिसन अगेन फीचर में गानों की लिस्ट या कार्ड के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन स्पीड डायल ने इसे एक ही स्क्रीन पर लाकर ज़्यादा गाने दिखाने की सुविधा दी है। यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा यूजर इंटरफेस में भी कुछ सुधार किए गए हैं, जिससे ऐप को एक हाथ से चलाना आसान होगा। इंडियन रेलवे ने हाल ही में ट्रेनों के टिकट बुक कराने के नियमों में बदलाव किया था। ये नियम 1 नवंबर यानी आज शुक्रवार से लागू हो रहे हैं। आज से यात्री अब किसी ट्रेन के लिए केवल 60 दिन पहले रिजर्वेशन करवा सकेंगे। ये नया नियम सभी ट्रेनों और श्रेणियों के लिए लागू होगा, जबकि पहले ये समय सीमा 120 दिन थी। हालांकि इसका असर पहले से बुक किए गए टिकट पर नहीं होगा। 31 अक्टूबर 2024 तक बुक किए गए सभी टिकट पहले की तरह मान्य रहेंगे और इन्हें रद्द करने की सुविधा भी पहले जैसी ही रहेगी। इस नए नियम के अंतर्गत यात्री IRCTC ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपने टिकट बुक कर सकते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाकर रिजर्वेशन काउंटर से टिकट ले सकते हैं। इन दोनों कई लोगों को कॉल, SMS या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिल रहे हैं, जिसमें KYC समाप्ति, सिम कार्ड या गैस या बिजली कनेक्शन से संबंधित या सरकारी अधिकारी बन के धोखाधड़ी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह के कॉल या मैसेज से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इस तरह के धोखाधड़ी के प्रयास से संबंधित कोई मैसेज या कॉल आता है तो उसे आप चक्षु पर रिपोर्ट कर सकते हैं, जो संचार साथी की वेबसाइट sancharsathi.gov.in पर आपको मिल जाएंगे। इसकी जानकारी PIB फैक्ट के जरिए मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 नवंबर को दरभंगा का दौरा करेंगी, जहां 1,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गरीबों और महिलाओं को विशेष लाभ मिलेंगे। केंद्र सरकार का क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम ऋण लेने के इच्छुक लोगों के लिए ऑन द स्पॉट वितरण की सुविधा प्रदान करता है। 18 और 19 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री खुद उपस्थित होंगे। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव M. नागराजू ने राज्य सरकार से सहयोग की अपील की है, ताकि ऋण वितरण में सहायता मिल सके। इस कार्यक्रम का आयोजन उन जिलों में किया जाता है जहां लोन आवंटन की रफ्तार कम है और इसमें मुख्य रूप से महिलाओं को लोन देने पर जोर दिया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है सचित कुमार, राजीव कुमार, जगदीश सौ, अभिमन्यु चंदन कुमार, कृष्णा प्रसाद, गणेश पासवान, अनवर करीम खान, उमेश ठाकुर, अंजलि कुमारी, राम बाबू दास, परवेज पारसी,
ओमकार सिंह मोहम्मद, वकील अशोक कुमार, राहुल महतो, रमाशंकर राम, राजा कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, कृष्णा प्रसाद, आलोक प्रियदर्शी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।